चलती है तो स्टेशन से इंजन का काम शुरू हुआ। हाँ जी, जस्टिस हो, इंसाफ हो, तो आपने ताली मार के बता दिया कि ये ठीक है। अब हम लोग पिछले बोगियों में बैठे हुए, उन बोगियों का अफेक्ट क्या महसूस करते हैं, ये तो उनके शोर में जाता जा रहा है, और बोगियां क्या कर रही हैं, उसका रिदम क्या बना हुआ है, वो ये है। और इसको ये मतलब ये पैसेंजर का गाड़ी नहीं है, इसलिए और तेज हो। मैं आप लोगों को, सारे समझदार लोग बैठे हैं, तो मैं आज कुछ नए इफेक्ट आपको बताता हूँ। अभी स्पीड में ट्रेन जा रही और ये बोगियों का इफेक्ट हम महसूस कर रहे हैं। हमें को सवाल कर दे कि भाई इस वक्त इंजन भी बड़ा फास्ट हुआ हुआ है, तो इंजन की पोजीशन क्या है, वो क्या कर रहा है, वो स्लो स्पीड में जा रहा है, अब वो क्या कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, पिच कर रहा है। ट्रेन भी आपको स्पेशल सुना, ये कह रहे स्पीड पे वही है, मगर फंक्शन उसका अलग है, अपना अपना। अब यहाँ से ट्रेन जो है वो एक लाइन से दूसरी लाइन पे चेंज हो रही है, जिसको कांटा बदल, तो कांटे का झटका मुलाजा हो।
तो नहीं हुई। वाह वाह। अब ये स्पीड से जा रही है तो पहाड़ की टनल आ रही सुरंग सुरंग तो सुरंग में से वो जब गुजरेगी तो उसका इफेक्ट देखिए और जब निकल जाएगी तो फिर भी वही होगा जो बाहर है तो ये तो जा रही है आदमी कई दफ़ा हम लोग ट्रेन दूर से आती हो तो हम बच्चे लोग हम पहले पहले करते थे आप भी करते होंगे कि यार ट्रेन को पास से गुजरती है तो उसको देखिए मज़ा आएगा कैसा है तो ऐसे दो तीन गज दो गज दूर रहते हैं बिल्कुल तो करीब नहीं जाते मगर दूर से ट्रेन आती है तो हम ट्रैक के पास खड़े लाइन के पास खड़े तो कई यार पास से गुजरेगी तो मज़ा आएगा जब दूर से आ रही तो उसका इफेक्ट क्या है जो जो करीब आती चल रही है तो उसका इफेक्ट क्या है जब पास से गुजर जाती है उसका इफेक्ट क्या है जब गुजर के जाकर दूर चली जाती है उसका इफेक्ट क्या है यार साउंड वाले आवाज देखण दे यार एक बंदा खड़ा है तो दूसरे ट्रेन आ रही है उसका इफेक्ट क्या है जो जो करीब आती जाती है उसका इफेक्ट क्या है पास आ गई पास से गुजर के उसका इफेक्ट क्या है दूर से आ रही है दरिया के ब्रिज पर एक शोर सा होता है गंभीर सी आवाज आती है ढम ढम करके मगर वो भी टेम्पो जो चल रही है स्पीड उसमें कमी नहीं आनी चाहिए उसकी टेम्पो टूटनी नहीं चाहिए लाजा कमी कैसे आ रही जी उसकी स्पीड में कमी कैसे आ रही कमी ऐसी आई कि महसूस ना हो कि जल्दी से ब्रेक लगे उसकी स्पीड में इस तरह से कमी आनी चाहिए कि पता ना चले और प्लेटफॉर्म आ जाए और प्लेटफॉर्म पे आके वो खड़ी होती है जी तो मुलाजिम
मैं इंजन पर जा रहा हूं कि इंजन की स्पीड कैसे कम हो रही है, ये तो बोगी की स्पीड कम हुई, इंजन की स्पीड कैसे कम होगी?